हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ नया लेकर आया हूँ आपके लिए। कुर्ते की कटिंग को मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए, मैं आपको कुर्ते की कटिंग के लिए अंकज करना चाहता हूँ। और ये बैक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये फ्रंट है। हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, और ये 2.5 गज कपड़ा है। और 2.5 गज कपड़े में आजकल क्लॉथ की कटिंग आ रही है, तो उसी में से हमने फ्रंट बैक को लैदा कर लिया है, और उसके बाद हमने बाजू को लैदा करके रखा हुआ है। वो भी हम आज आपको बताएंगे, बाजू की कटिंग भी आपको बताएंगे। ये आपने तय कर लिया, और उसके बाद आप नीचे आ जाएं दामन की तरफ। ये दामन का हमने मार्कर लगा लिया। उसके बाद फिर हमने इसकी लेंथ है जी, चलो गौर के साथ देखें, ये मार्का हमने लगा लिया दामन का, और दामन से हमने स्टार्ट कर लिया 37, 37 को। 37 इसकी लेंथ है। गौर के साथ, त्वजो के साथ ये देखें, 37 पर निशान लगाकर हम ऊपर आ गए हैं। 1 पर यहाँ से हमने रखा, और वहाँ 37 पर हमने ख़त्म किया। और ये उसका कंधा है 8, उसकी कमर है 15, और दामन इसकी हिप्स है 24 इंच। और अब हम निशान को लगाएंगे। ये पहला निशान है, उसके बाद ये दूसरा 8 पर है, उसके बाद ये तीसरा 15 पर है, और चौथा निशान जो है ना, आपकी रहनुमाई के लिए, ये हिप्स का है। और दामन का हमने पहले लगा लिया है। इस ऊपर आज मेरे हाथ की तरफ देखें, इसका शोल्डर है 14, 14। ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपने 14 आना है, 8 तक 14 आना है, और उसके बाद फिर आप 20.5 इसकी, 19.5 इसकी चेस्ट है। और दामन, ये कुर्ते की शेप मैं आपको बता रहा हूँ, 22.5 इसका दामन है। तो हम यहाँ से लेकर, उसके बाद फिर हमने नीचे से 22 पर, 22.5 पर, और ऊपर से 19.5 तक हमने देखा, और इसको सीधा हमने निशान डाला है। ये देखिए गौर के साथ, आप सीधा ए शेप कुर्ता, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा आसानी तरीका है आपके लिए, आप कर सकते हैं घर बैठे। जितनी बहनें मेरी काम सीख रही हैं, बेटियां काम सीख रही हैं, और या जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कुर्ते की कटिंग को लेकर आया हूँ। तो आप देखें, इसको आप लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ये आप निशानों को देखिए गौर के साथ, ये आप बड़े तवज्जो के साथ, ये मैं मेरे हैंड की तरफ आप देख सकते हैं, और ये हमने पूरा कुर्ते की शेप को बना लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, ऊपर वाले पल्ले को हमने थोड़ा सा उठाकर, ये दबाव भी लेना है हमने। पहले की तरह मैं जब कटिंग करता हूँ तो आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। ये काट लिया, इसको हमने पीछे कर लिया, उसके बाद हमने बैक को कटिंग करना। ये देखिए, ये, और यहाँ से आप दबाव लेकर सीधा जाएं। और इसको भी आप सीधा कर लें, रेबी निकाल लें इसकी, इसकी भी रेबी निकाल कर ये आ गया। ये पूरी शर्ट कुर्ता कटिंग हो चुका है। आप इसको त्वचों के साथ देखें, बड़े गौर के साथ, ताकि आप भी इसको कर सकें। हमारे पास बाजू का पीस है, ये देखें, आप इसको आयरन करें।
स्क्वायर करें। ये देखें ये बाजू का सारा पीस है, हमने इसको डबल कर लिया है ऐसे। आपने ये देखें ये डबल करना, आपने ये बना ली तय आपने। फिर इसको क्रीज डाल लें आयरन के साथ, आप क्रीज अच्छे तरीके से डालकर, और इसका बाजू हमें 20 1/2 है, 21 ये आ गया। और 4 इंच को आपने लेना है निशान में, ये डाउन किया आपने 4 इंच। उसके बाद 8 इंच इसका कंधा है, उसके बाद 6 इंच इसके आगे बाजू की मूरी है। और ये भी बड़ा आसानी है, ये देखें यहाँ से जैसे हमने ए शेप में कुर्ता काटा, ये भी इसी तरह ही है। और ये बाजू का हमने मार्कर डाल लिया है, और फिर हमने यहाँ से लेना है, स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं, सीधा आप ले जाएं, और इसकी भी ये कटिंग सीधी कर लें। और यहाँ पे हमने कट लगाना है, यहाँ से भी कट लगाना है, और फिर जाती काटनी है इन दोनों को उठाकर, ये दो उठाकर हमने इसको काट लिया, ठीक है जी। ये बाजू आपके सामने तैयार है, आप गौर से देख सकते हैं। इसी तरह आपकी शर्ट की कुर्ते की कटिंग हो सकती है बासानी तरीके के साथ, इसमें कुछ उलझन नहीं है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, आप मुझे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और आपकी दुआएं और आपकी बड़ी विश मेरे साथ है।